लॉकडाउन में रात के सन्नाटे में विक्रम नगर रेलवे ओवर ब्रिज के समीप सुनसान में एक युवती की चीखने की आवाज सुनकर तीन युवकों को मदद के लिए रुकना महंगा पड़ गया। दरअसल युवती सब इंस्पेक्टर निकली जो सिविल ड्रेस में अपने साथी पुलिस जवान के साथ यहां झगड़ रही थी। हैरानी की बात यह है कि सब इंस्पेक्टर ने बाद में मदद के लिए रुके युवकों पर ही छेड़छाड़ की झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी और माधवनगर पुलिस ने भी पुलिस भाईचारे का धर्म निभाते हुए सब इंस्पेक्टर युवती की झूठी रिपोर्ट पर तीनों युवकों पर छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा भी दर्ज कर लिया। अब इस मामले का वीडियो वायरल हुआ है। युवकों के मुताबिक युवती शराब के नशे में धुत थी। इधर वायरल वीडियो में रिपोर्ट दर्ज कराने वाली सब इंस्पेक्टर युवती नशे में दिख रही है और खुद के पुलिस सब इंस्पेक्टर होने का रौब झाड़ रही है, जबकि युवक दीदी दीदी कहकर माफी मांग रहे हैं। दरअसल घटना गुरुवार की रात करीब 8:30 बजे की है। रामी नगर में रहने वाला युवक दीपक पड़ियाल अपने दोस्त प्रदीप और मयंक के साथ खेत पर रह रहे अपने मम्मी पापा को रात का खाना देकर लौट रहा था। ऐसे में जैसे ही वह विक्रम नगर रेलवे ओवर ब्रिज के समीप पहुंचा तो एक युवती की चीखने की आवाज सुनकर वे तीनों मदद के लिए रुक गए। दीपक के मुताबिक युवती की संदिग्ध हालत देखकर जैसे ही वह और उसके दोनों दोस्त मदद के इरादे से रुके, शराब के नशे में बहक रही युवती उन तीनों पर ही पिल पड़ी और खुद के सब इंस्पेक्टर होने का रौब झाड़ते हुए गाली गलौज करने लगी। ऐसे में जब उन्होंने कहा कि मैडम हम तो आपकी मदद के लिए रुके थे, आप हमें क्यों गाली दे रही हैं, तो युवती के साथ रहा युवक पास ही खड़ी अपनी फोर व्हीलर गाड़ी से डंडा ले आया और मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान नशे में धुत खुद को सब इंस्पेक्टर बता रही युवती ने कॉलर पकड़कर उसे 4-5 चांटे रसीद कर दिए। दीपक की माने तो उसने और उसके दोनों साथियों ने जब सॉरी बोलकर वहां से जाने की कोशिश की तो नशे में धुत युवती ने उनकी बाइक की चाबी निकाल ली। ऐसे में उसे 100 डायल को फोन कर बुलाना पड़ा। कुछ देर में 100 डायल भी पहुंच गई और सभी को लेकर थाने आ गई। दीपक के मुताबिक हैरानी इस बात की रही कि थाने में उसकी और उसके दोस्तों की एक नहीं सुनी गई। थाने लाकर उन्हें हवालात में बंद कर दिया और युवती की रिपोर्ट पर उन तीनों के खिलाफ छेड़छाड़ का झूठा प्रकरण दर्ज कर लिया गया। यही नहीं, पुलिस वालों ने उनके मोबाइल छीनकर घटनाक्रम का पूरा वीडियो डिलीट कर दिया। दीपक और उसके साथी प्रदीप के मुताबिक थाने पर पहुंचे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को जब उसने सच्चाई बताई कि उनकी कोई गलती नहीं है, वे तो मदद के लिए रुके थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि अब कुछ नहीं होने वाला, वह सब इंस्पेक्टर है और महिला है, उल्टे उलझ जाओगे। इस दौरान उन पर रासुका की कार्रवाई की भी धमकी दी गई। दीपक और उसके साथी के मुताबिक वे इस मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत कर निष्पक्ष जांच करने की मांग कर रहे हैं और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत करेंगे। हालांकि जब इस मामले में महिला सब इंस्पेक्टर से बात की गई तो उन्होंने सफाई दी कि युवक झूठ बोल रहे हैं, वे पिछले कुछ दिनों से अपनी बीमार माँ की देखभाल के लिए घर पर ही हैं और ड्यूटी नहीं जा रही है। उसने अपने साथी आरक्षक से सांवेर से सब्जी और दवाएं मंगाई थी जिन्हें वह लेने के लिए विक्रम नगर रेलवे ओवर ब्रिज क्रॉसिंग पर गई थी। जब वे उसकी कार से अपनी कार में सामान शिफ्ट कर रही थी तो तीनों युवकों ने उन्हें कमेंट किया। इस पर उन्होंने आपत्ति ली तो तीनों युवक अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज और मारपीट करने लगे और वीडियो बनाने लगे। एक युवक ने इस दौरान उसे धक्का भी दिया जिससे वह गिर गई। तब साथी आरक्षक कार से डंडा लेकर आया। युवकों द्वारा बनाया गया वीडियो उसी समय का है जिसे वो नशे का बता रहे हैं। उसने ही 100 डायल को कॉल कर बुलाया और उनकी गाड़ी की चाबी छीनकर मौके से नहीं जाने दिया, क्योंकि एक सब इंस्पेक्टर होकर अगर वह ऐसे लफंगों को सबक नहीं सिखा सकती तो आम लड़कियों से कैसे उम्मीद कर सकती है। महिला उपनिरीक्षक के मुताबिक वीडियो वायरल कर उन पर आरोप लगा रहे युवकों का आपराधिक रिकॉर्ड है। रिपोर्ट दर्ज न हो इसके लिए भी युवकों ने दबाव बनाया और भाजपा से जुड़े अपने साथी नेताओं को बुलाकर दबाव बनाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी। FIR दर्ज कराने के लिए वे 5 घंटे तक थाने पर बैठी रही। बहरहाल अब देखना ये है कि अगर जांच हुई तो ये मामला क्या मोड़ लेता है। अरे यार मेरी बात सुनो यार, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम्हें पता चलेगा तो बुला लिया। आपकी इज्जत कर रहा हूँ यार भैया, प्लीज यार दीदी, मैं आपका हाथ जोड़ के शांति से दीदी आप इधर आओ, एक सेकंड आप इधर आओ, इधर आओ, कॉल कर रहे हैं जबरन आके लपड़ मारा। क्या कर रहा है इसने? जबरन आके लपड़ मारा मेरे को। क्या कर रहा आपने, क्या हरकत की? जबरन आके लपड़ मारा। क्या कर रहा है इसने? जबरन आके लपड़ मारा मेरे को। जबरन आके लपड़ मारा। क्या कर रहा है इसने? जबरन आके लपड़ मारा मेरे को। क्या कर रहा आपने, क्या हरकत की? जी मैं पापा मम्मी मक्सी रोड पे रहते हैं तो मैं उनको खाना दे के आ रहा था, तो विक्रम नगर ब्रिज के यहाँ मैं जैसे ही नीचे उतरा वहाँ पे मैंने देखा कि एक महिला नशे की हालत में थी और चिल्ला चोट कर रही थी और उनके साथ में एक लड़का था, वो भी मारापीटी इनकी चल रही थी आपस में। तो हमने सोचा कि महिला को मदद की ज़रूरत है तो हम वहाँ पे रुके, तो महिला से हमने पूछा कि क्या हुआ, तो इतने में महिला हमारे ऊपर ही आई
और मारा पीटी करने लगी और बोली कि मैं 2 स्टार हूँ, और जो उनके साथ में था जो वो बोले कि मैं आरक्षक हूँ, मैं भी बोले तुम जाओ यहाँ से। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद वो मैडम नशे में इतनी थी कि उन्होंने हमारी गाड़ी की चाबी निकाल ली और हमारे साथ मारपीट शुरू करी, और हमने बोला कि हमारे साथ मारपीट क्यों कर रहे, हम तो आपकी मदद के लिए रुके हैं। तो इतने में वो जो उनके साथ में जो सब इंस्पेक्टर थे वो हमारा वो लठ निकाल के लेके आए और हमारे साथ मारा पीटी उन्होंने चालू कर दी। वो बोले भगो यहाँ से। तो मैंने कहा हम तो आपकी मदद के लिए रुके, आप हमारे साथ ही मारपीट कर रहे हो। फिर हमने PCR को फ़ोन लगाया, PCR आई और हमको बिठा के थाने लेके गई। तो उन्होंने हमारे वहाँ पे मोबाइल वगैरह थे वो सब अंदर रख लिए और हमको एक कमरे में बंद कर दिया, और हमारे इसमें जो हमने वीडियो बनाई थी उनकी मारा पीटी की वो वीडियो भी उन्होंने डिलीट कर दी, और हम हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दायर कर दिया। और झूठा मुकदमा जो इन्होंने हमको मारा था और PCR हमने बोली थी कि हमारी FIR होगी, और इन्होंने उल्टा झूठा के छेड़छाड़ का हमारे ऊपर लगा दिया, जो कि विक्रम नगर हॉस्पिटल के यहाँ पे ये विक्रम नगर ब्रिज के यहाँ पे ये घटना है। और इन्होंने SARS हॉस्पिटल के यहाँ पे बताया कि यहाँ इन्होंने यहाँ पे हम इनके साथ छेड़छाड़ की हमने। तो मैं चाहता हूँ कि उच्च अधिकारियों से कि आप आपके कैमरों से भी जाँच करें कि वहाँ के जहाँ पर इन्होंने स्पॉट दिखाया है कि वहाँ पर हमने इनके साथ क्या गलत करा, और यहाँ का ये मामला है ही नहीं है। हम वहाँ पे कुछ अधिकारी आए थे बड़े, हमने उनसे बोला कि सर हमारा कोई दोष है ही नहीं, आप हमारे ऊपर हम तो PCR पे हमने बोले कि हम इनकी रिपोर्ट लिखाई ना हमारे साथ कार्रवाई करी। तो उन्होंने बोला कि अब तो हो गई है तुम्हारी FIR, अब कुछ नहीं हो सकता। और बोले वो भी पुलिस वाले हैं, और उन्हें वो 2 स्टार मैडम बोल रही थी कि हम 2 स्टार हैं, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बोले सब हम बड़े बड़े प्रशासन अधिकारी सब हमारे हमारे कहने पर चलते हैं, और मैडम ने कपड़े भी ऐसे ही पहन रखे थे, मैडम ने कपड़े पहन रखे थे, छोटी निकर वगैरह पहन रखी थी, और उनके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। तो हमने इसीलिए रुके थे कि इनकी मदद करें। तो मैं ज़्यादा वो नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने हमारी कुछ सुनी नहीं, अगर कुछ सुनते तो मैं कुछ बता पाता कि उन्होंने हमारी ये सुनी और उसके बाद ये करा। लेकिन उन्होंने तो जबकि हमने PCR को फ़ोन लगाया था, हम वहीं रुके भी इसीलिए, अगर चाहते अगर हम कुछ गलत कर रहे थे तो हम वहाँ से भागते, लेकिन हम इसीलिए वहाँ रुके रही है कि पुलिस आएगी और उचित कार्रवाई करेगी। हाँ, महिला होने के नाते हम वहाँ रुके, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा और उल्टा हमारे हमारी कुछ भी नहीं सुनी और हमारे खिलाफ ही महिला ने रिपोर्ट लिखा दी। और उनके महिला ये बात वो वहाँ पे भी चिल्ला चिल्ला के हमसे कह रही थी कि मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, तुम्हारे को ये करवा दूँगी वो करवा दूँगी, तुम रुक जाओ बताती हूँ। जबकि हमारा सिर्फ इंटेंशन वहाँ पे दो लोगों को झगड़ते हुए देख के रुकने का इसलिए था कि कई रात को कोई दो लोग आपस में कुछ ऐसा लड़ाई तो नहीं कर रहे हैं या कोई किसी को परेशान तो नहीं कर रहा है, इस उद्देश्य से हमने गाड़ी स्लो करी थी। और उन्होंने दूर से ही देख के हमको गाली गलौज सुनी कर दी कि क्या देख रहे हो, मैं ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी। और पास में आते ही हमने लगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जो करना है करिए आप। तो बोले तुम जानते नहीं हो, और मतलब उन्होंने शायद ड्रिंक विंक भी बहुत सारी कर रखी थी, और उस चक्कर में और कुछ जो साथ में भैया थे वो भी आरक्षक के हों, उनने लट वट निकाला और हमको मारा कुटी करी। हम लोग इसी उससे गए थे कि हमने PCR बुलाई है और थाने में जाके लोग हमारी भी बात सुनेंगे, हमको भी जो चीज़ें हुई हैं उनको हमको बताने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने हमको वहाँ पे एक कमरे में बंद कर दिया और बाकी जो भी कार्रवाई करी और जो भी पूछा बताई करी उनसे ही पूछ के और एक तरफा केस को हमारे खिलाफ रिपोर्ट करवा दी, FIR कर दी। मैं चाहता हूँ कि बड़े से बड़े अधिकारी इन चीज़ों को देखें और समझें और उसके बाद जो भी है हमको न्याय दिया मिले इस चीज़ से, क्योंकि ये एक गलत चीज़ है समाज में या परिवार में या मोहल्ले में कि हमने किसी को छेड़ा, जबकि आज तक मेरे किसी भी मामले में किसी से कोई विवाद भी नहीं है, ना कोई ऐसी इस प्रकार की कोई हरकत है मैंने कभी अपनी लाइफ में करी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं दो। लेकिन आज ये जो पेपर में लिखा हुआ आया है और जो रिपोर्ट हुई है उसके बाद मेरे को बहुत शर्मिंदगी हो रही है और मेरे परिवार को भी इसके लिए नीचा देखना पड़ रहा है, जबकि ऐसे हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा है।